डोमेस्टिक खेले बगैर टीम में शमूलियत पर तनकीद। मोहम्मद आमर ने खामोशी तोड़ दी। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेले बगैर टीम में शमूलियत पर तनकीद करने वालों को जवाब दे दिया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमर और हमाद वसीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 से कबल रिटायरमेंट वापस लेने का ऐलान किया और हालिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में भी एक्शन में दिखाई दिए। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए भी दोनों खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल हैं। ताहम हालिया डोमेस्टिक क्रिकेट में शिरकत न करने के बावजूद टीम में शमूलियत पर मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम को तनकीद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, ताहम मोहम्मद आमिर ने उनके खिलाफ बोलने वालों को जवाब देते हुए कहा कि PSL पाकिस्तान का सबसे बड़ा डोमेस्टिक T20 यूनिट है। दोस्तों, मोहम्मद आमिर ने अपने मुखालफिन से पूछा कि PSL T20 यूनिट क्या है। मैं और हमाद हम दोनों PSL T20 खेल चुके हैं और कारकर्दगी का मुजाहरा करने के दीगर लीग्स में भी बाकायदगी से दिखाई देते हैं, तो हमें फार्मेट के लिए मुंतखब करने में क्या हर्ज है। मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा कि टेस्ट या वनडे जैसे फार्मेट के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट में तजर्बा बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्या मोहम्मद आमिर और हमाद वसीम को T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, हमें अपना जवाब कमेंट में लाजमी दें। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।